बदली ही देनी बिना सिलाई ना, जो आपने डाउट पूछोगे वो मैं कर लूंगी। हाँ जी आई नहीं संजय, सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी और हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून, एग्जाम डेट आ गया, क्या करें? हाँ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो जी एग्जाम डेट एक तो आई है 8 टू 11 की 12 है, आई थिंक 12 है, और फिर उसके बाद ये जुलाई में आई है, अगली डेट सीधा अगस्त में दे दी गई है। ये तुम्हारा गैप देते हैं इनको बताओ इसको। हाँ जी रिवीजन कर लो जो पढ़ा है अभी, तो देखो भी इतना ही है, जब तक देखनी है तब तक हमें नहीं पता कि हमारा एग्जाम अगस्त में है कि जुलाई में है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ जो कॉमर्स का एग्जाम है, पिछली बार जब गैप था उसका आखिरी दिन था, और उससे पहले हमेशा से वैसे लास्ट फेज में होता था, ठीक है। तो वी कैन से पिछला एनालिसिस करके कुछ हो सकता है, आखिरी दिन या फिर अगस्त में जा सकता है, ठीक है जी। बाकी अदर स्टूडेंट्स जैसे इंग्लिश का पहले जाता है, पॉलिटिक्स साइंस का पहले जाता है, इकोनॉमिक्स का पहले जाता है, ठीक है। तो दिस इज मैनेजमेंट का कॉमर्स से पहले होता है, तो इस तरीके का ट्रेंड रहता है, बट स्टिल कोई ट्रेंड एनटीए जरूरी नहीं कि फॉलो करें, ठीक है। तो इसलिए हाँ हिस्ट्री का भी पैन जल्दी जाता है। हाँ इसलिए आपको अभी इस चीज के लिए तो बात मतलब कि पेपर का डेट कब आएगी, हम लोग इस चीज में टाइम वेस्ट करने से अच्छा अभी 8 जुलाई के हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर कर लो, ठीक है। क्योंकि इससे भी टाइम वेस्ट होगा ना, आपको पता ना मेरे को पता ना किसी यूट्यूबर को पता है, हम सब मनगढ़ंत बनाएंगे, ठीक है जी। तो बेटर इज टू स्टडी और टाइम बर्बाद ना करें। अभी आपको क्या करना चाहिए, देखो मैथन क्लासेस वहाँ एपिसोड जो मैंने रखे हैं उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, मैं वैसे भी रोज ले रही हूँ एक एक खाली यूनिट का, ठीक है। तो डेली में मैं भी ले लूँ, बाकी जो डेटा की वो कॉमर्स की भी आ जाएगी आपकी आ जाएगी। अगर ये सच्ची में आपको होना है तो जून एंड तक इनको देने पड़ेगा डेट्स, ठीक है, ज्यादा ज्यादा 1-2 जुलाई, क्योंकि इनका ट्रेंड रहा है 4 डेज पहले भी देने का, तो इनका हिसाब अपना ही है। हाँ जी मैं बिजनेस मैनेज करूँ सब कुछ करेगा लास्ट 3 दिन पहले, हाँ 4 दिन पहले भी आए थे लास्ट, ठीक है जी। तो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर आपने नहीं किए हैं, आपको ऑलमोस्ट सभी यूनिट मिल गए ना, बी बाई क्यूज करा तो दिए मैंने प्लस में, ठीक है। अब ये स्पेशली लॉन्च भी करा दिया, तो 2021-2022 के तो ऑल क्वेश्चन आप कर ही लो, वो दिखता है आराम से कि टोटल शुरू से लेकर ऑल क्वेश्चन अभी इसमें है, ठीक है। ऑल शिप्स ऑल क्वेश्चन ऑल यूनिट्स, फिर उसके बाद समय बचेगा तो पीछे एक्चुअली आपको 2018 तक तो मिनिमम जाना चाहिए, मिनिमम इसलिए क्योंकि ये सारा एनटीए ले रहा है, ठीक है। फिर बाकी तो क्वेश्चन इजी भी थे, पहले हमने आपको 10 PM वाली क्लासेस भी कवर किए हैं, मैं बीच में से सारी उठाती थी, कभी 2022 कभी 2018 कभी पीछे वाली, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर हो तो 10 PM वाली क्लासेस में भी आपको रिवाइज किया कीजिए, हालांकि आज अनअकैडमी स्पेशल क्लास में नहीं है, वो मैं यूट्यूब पर एडजस्ट करूंगी अपनी क्लास आज की भी, क्योंकि अनअकैडमी ने मेरे को यहां की जगह वहां पर पेनल्टी डाली, तो पहले अपनी पेनल्टी भुगताऊंगी अपना आज कंप्लीट करूंगी, बाद में देखते हैं आने के लिए। चलिए उल्टा क्या हो गया, मेरे को मेरे चैनल भी पंगा, मैं यहां पे पढ़ा रही हूं ऐसा देखते। चलिए अभी हम एमसीक्यूज करते हैं फिर कम्युनिकेशन के। हाँ जी डाउट क्या है आपका बताओ, अगर आपने लिख के भेजे तो कल भी आउटिंग क्लास है, तो 2-2 दिन लेने का कोई नहीं है ना, तो अगर ऐसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मेनली लास्ट मोमेंट में क्या करता है, हमें एमसीक्यूज करने हैं एक हफ्ते में एक बार, खैर बचे 2 हफ्ते हैं अगर 8 का पेपर है तो, ठीक है। तो एटलीस्ट पेपर से पहले 3-4 टेस्ट सीरीज दे दो एटलीस्ट, जैसे कि वैसे तो आप दे रहे होगे रेगुलरली, अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं भी तो कम से कम इतने दे दो, इससे क्या होगा ना टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है पेपर में, वो भी जरूरी है। और पीवाई मैंने बोल दिया मिनिमम आपको 2-2 घंटे तक करने हैं, बाकी कंसेप्ट के रिवीजन के लिए मैं महा एपिसोड ले रही हूँ या फिर मैराथन ले रही हूँ, उनसे हो जाएगा। अब तो आपने साथ साथ पढ़ाई किया है, आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लगाओ कि हमने समझा हुआ है। अब क्वेश्चन लगाओ, अगर टॉपिक में दिक्कत है तो वो टॉपिक करेंगे, ओके। हाँ जी अच्छा आपके पास आ गया, गुड कॉन्वर्सेशन, चलिए। सो अब हम क्वेश्चन करें, फ्रेंड्स कम्युनिकेशन का क्वेश्चन हुआ तो नहीं, फर्स्ट क्लास है आई थिंक कम्युनिकेशन की, पीवाई चूज वाली, ठीक है। हाँ तो शुरू से करते हैं, हो चुके हैं क्या, आधे हो चुके हैं, ठीक है, फिर हम आगे लेके जाएंगे। कितने तक हो गया, 60 तक हो गए होंगे। पेपर का क्रैश कोर्स ये चल रहा है, जुलाई में मेरे को कोर्स निकालना है, तो मैं आपको बता दूंगी क्या निकाल रही हूँ। 70 तक कर लिया तुमने, अरे वाह बहुत तेज हो, 70, ओके चलिए फिर यहाँ से करते। अरे इससे का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, 70 तक कर लिए, 90 तक कर लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, करो चलो। हाँ नहीं मैंने बोली दिया दे दू, मुझे पता नहीं चल रहा आप रेडी होगी। सुमन प्रीति रूबी अर्चना सोनम पंजी बोलू नासिम रीता, नहीं सफीना तुम्हें क्या हुआ, फर्स्ट बुक कैसे डाउनलोड होगी, तभी आप मुझे ईमेल कर दो, उसमें मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ में नोट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, वहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें पेपर पर मिल रहे हैं, सो दिस इज द डिफरेंस। तो कोई ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको दी हुई है, सो टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन मीनिंग, सो कंटेंट इन्फॉर्मेशन, कंटेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, कंटेंट आपका फैक्ट्स के ऊपर आधारित होता है, हाँ जी वेलकम जी। रिलेशनल इन्फॉर्मेशन, रिलेशन में आता है कि फीलिंग, रिलेशन में जनरली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटर क्या सोचता है कि मेरा उस पर्सन के साथ कैसा रिलेशन है, जैसे आपका टीचर स्टूडेंट रिलेशन है, लेकिन इस कहीं आप आपस में फ्रेंड्स हो ऐसे, अच्छी बात है। देन सोशल मीनिंग, सोशल मतलब कि शेयर्ड, वहाँ से कुछ हो गया, सब्जेक्टिव अपने हिसाब से निकालना, वो पर्सनल हो गया, सब्जेक्टिव मतलब अपने हिसाब से मीनिंग निकालना, हाँ जी वेलकम माधवी। देखो नोट्स जो है अनअकैडमी पे ही मिलते हैं, ईमेल पे मैं नोट्स नहीं देती, ठीक है। अनअकैडमी पे जो क्लास आप कर रहे हो इसके साथ ही डाउनलोड 3 डॉट्स होगा, डाउनलोड का एरो का ऑप्शन होगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। हाँ वो जो पूछ रही है, मैंने इसलिए पूछ रही है क्योंकि उसके पास इंग्लिश मीडियम वाली बुक है, वो हिंदी वाली बुक पूछ रही है, तो nowclasses@gmail.com पे ईमेल करना मेरे को, मैं बता दूंगी। अभी पढ़ लो, नोट्स डाउनलोड करने हैं तो अनअकैडमी पे ही मिलते हैं, इधर ही पहले एनरोल करो तो डाउनलोड देंगे। और जो ये क्वेश्चन है प्लस क्लास की पीडीएफ में, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लिखी हुई है, तो आपको फिर अलग से ईमेल करने की जरूरत है ना, क्योंकि ठीक है, फिर हम आगे ले जाएंगे, आपके हो सकता है 90 तक पहुंच गए, 90 जाके जाते हो गए तो 40% क्यों आ रहा है भाई, आज क्या तो देख लूंगी, कल क्या था तो मैंने रिप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको रिप्लाई नहीं आता दोबारा देख लो, आप चेक करो शायद गलत डाल दी हुई होगी,
सो सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले आप हाँ ये हो गया, जॉट डाउन द पॉइंट्स, ओके हम फटाफट आगे जाते हैं। अब ये तो नहीं हुआ 91, ठीक है आप मेरे को दोबारा वो कर देना। हाँ जी वेरी गुड, ये भी हुआ है, बोलेबल हो गया फिर। मीडियम क्या होता है आप फिजिकल मींस, फिर तो मैं 100 से ऊपर ले जाती हूँ, रैंडम आके मंगेगी कहीं तो रुकूंगी मैं, तो मैं यहाँ से करके देखते हैं। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन सब हो चुका है, सारे कर लिए तुमने, वैसे किया तो इजी है, वैसे ये तो पीयर टू पीयर मतलब आपस में बातें कर रहे हो और आप सेम लेवल के हो। तुम कभी मुझे मामा बताती हो, कभी अम्मा कभी नानी, जब तुम जन्म पढ़ लो मैम लिखना नहीं आता, बाकी सब आता है। पीयर टू पीयर में हॉरिजॉन्टल, ठीक है एक ऐसे डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग बताना, डिसिप्टिव मतलब कि धोखा देना, डिसिप्टिव आई थिंक धोखा देने का डिसीप करना, और कहाँ पढ़ा था आप लोग बाकी सब टेंथ के ना समझ सकते हैं ना, वही होता है जो नहीं कराए उसे छोड़कर आगे बढ़ ले, कोई नहीं अब तुम यहाँ से करो शुरू। सिमर प्रीति अगर बीच में कुछ छूट भी रहे होंगे वो आप अपने आप करना, कोई डाउट होगा तो आज रात को 12 बजे से पहले पहले पूछ लेना ताकि मैं कर लूं, ठीक है। पीडीएफ तो दिए हुए वो भी तैयारी बोलते मेन चैलेंज ऑफ ब्रेक बाय कम्युनिकेशन, ब्रेक बाय में क्या होता है ना इट्स फॉर्मल, फॉर्मल तो बिल्कुल है ही नहीं, वो इनफॉर्मल है, ये कर गया बाय बाय, डिस्टॉर्शन उसमें ब्रेक हो जाती है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग आती है कि आप वाई फैलने के चांस होते हैं ना ब्रेक बाय में। सोर्स एनोनिमिटी कंफर्मिटी, कंफर्म नहीं होता कुछ भी क्योंकि वहां पे तो कोई भी किसी को किसी कैसे बुला दे 100% पता नहीं क्यों सच बोल रहे झूठ बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो असर्शन, ठीक है दे देती हूँ। सनी सिमरन प्रीति नासरीन मांडवी, अरे वाह सारे बच्चे पास, ये ईडन का फुल फॉर्म बताओगे आप कितने करके, ई का क्या फुल फॉर्म है, अच्छा ईद ईडन, वाह ये क्या निकाला है, गुड रितु अचना निवेश बेबी ए आई आर हर्ष मंजीत उपासना गोलू प्रीति। फर्स्ट कब गलत बताइए, स्टूडेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मीडिया ऑडियंस, वाह मतलब आप ऑडियंस में तो कहीं और हो फिर बता दो, स्टूडेंट ऑडियंस में ही तो मेन पार्ट है। तो ड्यू टू ऑल परवेसिव डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट बिकम इंटरेक्टिव, आजकल इंटरेक्टिव हो गए टेक्नोलॉजी में, सही सीक्वेंस बता दो, सीक्वेंस बहुत इजी क्वेश्चन है, परवेसिव मतलब जो चीज हर जगह अवेलेबल होती है उसको कहते हैं परवेसिव। फैटिक का मतलब होता है शॉर्ट सेंटेंसेस, जैसे कि हाय हाउ आर यू, ठीक है ना, तो हाँ शॉर्ट सेंटेंस होते हैं ग्रीट करने के लिए, वाओ कांग्रेचुलेशन जैसे कि फैटिक होते हैं, ठीक है एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में हम रेगुलरली ऐसी चीजों को यूज करते हैं, आई एम फाइन, अच्छी बात है। सो करेक्ट सीक्वेंस में पॉसिबल था इंट्रा इंटर ग्रुप और लैब उल्टा दिया पब्लिक मास, आइस ब्रेकिंग और फैटिक रिलेटेड कैसे होते हैं, आइस ब्रेकिंग का मतलब है कि हमारे आने से पहले क्लास में सब बच्चे अपने अपने उसमें जमे पड़े बातों में सब, ठीक है उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना कि हेलो एवरीवन नाउ टीचर केम इन द क्लास, अब तुम इधर देखो उस तरफ ध्यान दो, ठीक है तो आइस उनकी जो आइस है उसको ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है जैसे कि एकदम से कोई प्रिंसिपल आए हैं तो फिर बच्चे जो है उन्हीं की तरफ, यस कोई समवन इंपॉर्टेंट क्लास में आया और अब इनको सुनना है, हिंदी क्या है किसकी हिंदी, ओ, मैं सोचा अगले पे हिंदी होगी, अगले पे हिंदी तो बिना ज्यादा हिंदी नहीं करते हो, एक्सप्लेन एबीसी को प्लीज ना, अरे भाई जब आया है तो उसके बाद तो मैं बिल्कुल समझाऊंगी, इसी क्वेश्चन का समझाना है ना तो वो तो मैं पहले समझाऊंगा। फिजिकल मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है उसको कहते हैं फिजिकल, तो इसमें से मैकेनिकल डिस्टॉर्शन, मैकेनिकली मैकेनिकल डिस्टॉर्शन का मतलब कि हो सकता है आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, आपकी बॉडी मैकेनिक एक्टिविटी नहीं कर पा रही है, ठीक है वो हो सकता है, अच्छा ये फिजियोलॉजिकल है। अब फिजियोलॉजिकल क्या है, फिजियो मींस फिजिकल, शियोलॉजिकल मींस एक तरीके से आपके एनवायरनमेंट भी आ गया यहाँ पर, सो इसलिए बैरियर विद इन सेंडर एंड रिसीवर, तो आपका वो एनवायरनमेंट मींस क्लियरली आ गया। साइकोलॉजी हमारा दिमाग होता है, माइंड के लेवल पे हम नहीं समझ पाते, तो साइकोलॉजी में क्या है वांडरिंग थॉट, थॉट्स दिमाग थिंकिंग, ठीक है हमारा जो माइंड है वो एक्टिव नहीं होता, सुनना नहीं चाहता है, तो इसलिए सिमेंटिक का मतलब कि मीनिंग के मीनिंग अलग अलग निकलते हैं, जार्गन कराया हुआ क्लास में आप जैगन का मतलब होता है कि बहुत सारे मीनिंग निकलना, मल्टीपल मीनिंग्स जो कि जैगन का काम कर रहे हैं हम उसमें फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है अटपटियां निकल रही है वहां पे, अच्छा वैंडरिंग का मतलब आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ, हाँ वही मैंने बोला था भटकते हुए थॉट्स, ठीक है भटकना, ठीक है कम्युनिकेशन टू पर्सन थ्रू लेटर्स, वही बताओ लेटर चिट्ठियां लिखी जा रही है इसमें,
वैसे वो वाला पॉइंट भी सही है, उससे भी मेरे को ध्यान था कि जो साधु होते हैं ना उनको भी वेंडर्स बोला जाता था, ऐसा ही कोई वर्ड होता कभी, क्योंकि वो भी जगह जगह भटकते थे। ठीक है, जो भिक्षा मांगते थे वो वाले। सो ऋतु अर्चना नीलेश बेबी। सो फ्रेंड्स, लेटर चिट्ठी, चिट्ठी में क्या होता है शब्द, और मैं क्लास में बहुत बता रहा था कि जो वर्बल होता है, वर्बल का मतलब उसमें शब्दों का यूज करना, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ऑरल हो। तो ये बच्चे ऑरल को वर्बल बोलते हैं, तो इतनी गलती, लिखत भी वही होता है, तो कृपया करके अपना कंसेप्ट क्लियर करो। पहली क्लास में बताया जाता है नॉन वर्बल होता है इशारे, और क्योंकि ये किसी और के साथ किए जा रहे हैं तो इसलिए इंटरपर्सनल, इंट्रा नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा ओवरकम करता है बैरियर को? अच्छा, इसमें कम्युनिकेशन का प्रीवियस क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है क्या? हाँ, मैंने अभी जो स्लाइड लोड करी है इसमें 2021 22 वाले लोड किए हैं, उससे पहले वाले भी कर दूँ, पहले की होंगे तो पहले क्लास हुई है, तो इसमें करो लाती हूँ, फिर ये क्वेश्चन करो। हाँ जी, थैंक यू जी। 29th को है वैसे, अभी से वो वीक स्टार्ट किया हुआ है फॉर कॉन्टेस्ट पर्पज, कि बच्चों को कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने का टाइम मिल गया। चलो पूनम, अनिल, सिमरन, ज्योति, प्रीति, सुमन, रीना, शिवानी, भाविका, माधवी। हाँ जी, गुड। सो फ्रेंड्स, वो पूछ आपसे रहा था कि बैरियर को ओवरकम करने की स्ट्रेटजी बताओ, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोविजन, मतलब हमेशा बढ़िया सी एडवांस टेक्नोलॉजी उससे होगा एग्रेशन गुस्सा होता है, जागरण वही नेगेटिव होता है, सेटिंग ग्राउंड रूल, इसका क्या मतलब है? जमीन पर बैठो, इसका मतलब है बेस रूल पहले बनाओ फिर आगे चलो। एग्जाम्पल के लिए आप कैरम बोर्ड खेलते थे कभी, या फिर कोई भी गेम जो फैमिली के साथ खेला करते थे? ठीक है, तो उसको खेलने से पहले क्या होता है, मतलब हम तो पहले करते अगर रूल सुन लो, कोई भी नया रूल निकालेगा, ठीक है, रूल निकालो, और फिर रूल के बेस पे खेलेंगे, और अगर आपने उस दिन रूल नहीं बोला दूसरे को, तो मेरे को तो लगा था फिर लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ तो ऐसा होता था बच्चों का। तो इसका मतलब कि इसी तरीके से किसी से कम्युनिकेशन करना है, कोई नया बिजनेस करना है, कोई भी काम करना है, उससे पहले उसके बेस ग्राउंड रूल्स सेट करो, समझे? फिर उसके बाद आगे जाओ, इससे बाद में प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पहले अग्रीमेंट करते हैं, अग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि समझौता हो गया, यही वाले रूल चलेंगे आगे। ठीक है, हमारी क्लास का भी रूल है, बताओ अब पोल में आंसर देना है ना, आंसर भी पोल, आपको ये नहीं करेगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी, हमारी टर्म एंड कंडीशन होती सबकी, बात बिगड़ जाएगी तो ब्लॉक जाएगा। अच्छा चलो, अरे कौन आया? देखो क्या बोल, मैं बोल दे, तो ये सुनो, ये समझ आ गया, समझा रहे क्लासों में सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, सोक्रेटिक क्वेश्चन क्या थी बताओ, सोक्रेटिक क्या दिया था बताओ, क्लास देखी हो तो डायलॉजी कम्युनिकेशन दिया था ना, इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, अच्छी स्ट्रेटजी समझने के लिए, क्यों नहीं पता आपको? फीडबैक थ्रू लिख देते हो डायलॉजी, इवैल्यूएशन ऑफ टीचर एनहांस करता है क्वालिटी ऑफ क्लास, ठीक है, क्लास की क्वालिटी एनहांस करता है, अब दोनों में तो डिफरेंस है। ठीक है, यस, एक दूसरे से लड़ाई करोगे तो मैं दोनों को ब्लॉक करूंगी, मेरे को पता क्या चल रहा है, कौन किसी क्यों लड़ाई कर रहा है, कृपया करके ढंग की लैंग्वेज बोलिए यहां पर, और पढ़ाई करें। चला गया, हाँ, जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उसको बोलूँ, सनी, सिमरन, प्रीति, नासिंग, गोलू, प्रिया, अर्चना, सुमन, नंदनी। हाँ, लैंग्वेज सुधारो नहीं, गुड, रोल एक लैंग्वेज सुधारनी पड़ती है। इन कम्युनिकेशन श्रग ऑफ शोल्डर इंडिकेट्स, ठीक है, श्रग ऑफ शोल्डर इंडिकेट करता है इंडिफरेंस, कोई वो ये ना एक मुहावरा टाइप है, बताती हूँ। ठीक है, मैं स्लाइड में डाल के लाती हूँ, जो श्रग ऑन शोल्डर है ना, ये थोड़ा रूल दिखाता है, ठीक है, कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, पर्सन श्रगिंग इमोजी, या फिर कोई ऐसा बोल रहा है तो ये रेजोनेट कर रहा है कि हम दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, शोल्डर से श्रग लिया, उसको इग्नोर कर रहे हैं हम, इंडिफरेंट है हम, सेल्फ को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ही सही है, पैसिवली गुस्सा दिखाने का तरीका है किसी का, और दूसरों को अनॉय करना, परेशान करना, गिविंग अप, और पता है कि क्या कर रहे हैं फिर भी ऐसे दिखाना, ठीक है, तो ये होता है श्रगिंग ऑन द शोल्डर। समझ में आ गया?
नेगेटिव पॉइंट है. हाँ नेक्स्ट. सो कम्युनिकेशन मतलब तुम्हें मुहावरे भी ऐसा एक और किसी बारे भी एक ऐसे तरीके का एक मुहावरा आया था, वो तो याद नहीं है, देखिए थोड़ी पहले आया था. किस वाला? हाँ दूसरे वाला. यस यस. हाँ एक एक मुहावरा देते हैं हर बार. तो देखो भी जब भी तुम मुहावरा बोल रहे हो स्लैंग बोल रहे हो पता चल जाता है ना, तो एक्चुअली वो नेगेटिव में ही होता है. बोलना कुछ होता है बोलते कुछ हम ज्यादातर तो यही होता है. तो उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं. रियल मतलब इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर, ठीक है. दायरा, रियल का मतलब होता है दायरा. सही है, हिंदी में हमने बिल्कुल किया जाएगा. इसमें कम्युनिकेशन जो है हो रहा है रियल मतलब इस दायरे से बाहर. कौन से वाले? इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन के दायरे से बाहर. मुझे बताओ इंट्रा पर्सनल तो उस दायरे के अंदर होगा ना. इन एक होगा पहले इंट्रा, फिर होगा इंटर, फिर उस दायरे से बाहर क्या जा रहा है? उस दायरे के बाहर जा रहा है मास, उससे भी बड़ा. अपर तो इंटर नहीं आ जाता, इंटर में अपर का लोअर का होरिजॉन्टल का लोअर का लोअर का, तो उससे भी दायरा बड़ा जाता है मास का. समझे? ग्रुप लिखा नहीं था उसमें, ग्रुप इंटरपर्सनल का हिस्सा. वैसे चला तो बोल. अपर तो एक दूसरे से बात हुई ना, वो इंटरपर्सनल में तो आ गया अपर डाउनवर्ड. सनी सिमरन अनिल प्रीति सोनम कोमल सुमन शालिनी अर्चना श्याम स्वीति सुनीता दियारे पंचु कुबाली. क्वेश्चन मीनिंग सही निकालना सीखो. क्या लिखा हुआ है? कम्युनिकेशन दो या दो से ज्यादा पर्सन जो कि सबोर्डिनेट है, मतलब किसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है. सेम पर्सन की तो सेम के अंदर आ रहे हैं सारे. तो ये लोग कौन बताओ? ये लोग हॉरिजॉन्टल में हुए. हॉरिजॉन्टल का दूसरा मीनिंग होता है लेटर. आगे समझ. अब क्या बोलूंगी? अच्छा हाँ, मुझे लगा हैरी बोल रहे हो आपके लिए. हॉरिजॉन्टल बोल रहे, ठीक है, हो गया. डायगोनल का मतलब होता है कि ये इसके अंदर आ रहे हैं लेकिन ये दूसरे डिपार्टमेंट से ऐसे, या फिर ये वाला दूसरे डिपार्टमेंट से डायरेक्टली बात कर ले, ठीक है. बिना इसके सीधा बात तो ऐसे होती है, ऐसे इसके पास जाए फिर इसके पास जाए, नहीं इससे इससे डायरेक्टली बात कर ले. डाउनवर्ड सुपीरियर टू सबोर्डिनेट, सुपीरियर टू सबोर्डिनेट, अपवर्ड सबोर्डिनेट टू सुपीरियर. समझे? और लेटरल हॉरिजॉन्टल होता है. आ गया. और अगर इतनी वाली है कि तुम्हें रोजी बोल देती है, कल करके आ गया तो कहानी बोल जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी मनीष, आंसर ठीक हो रहे तुम्हारे? पूनम, सनी, सिमरन, नासरीन, ठीक है. कम्युनिकेशन इज ट्रांजेक्शनल प्रोसेस. क्लासरूम इज ट्रांजेक्शनल, यस, एवरीथिंग हैपन एट द सेम टाइम. सारे टाइप के बच्चे होते हैं, भी नॉर्मल काम भी होती है, पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है. कुछ बच्चे कुछ और ही बातें करते हैं दुनिया की. क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ लर्निंग. हाँ क्वेश्चन बच्चे किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे मतलब उनको किस लेवल का समझ आया है. देखो बच्चे फालतू की बातें पूछ रहे हैं कि मतलब एक मुद्दे के बारे में, वाओ वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपने, मतलब कि बाकी मैं डीपली स्टडी कर रही हूं, तो उससे पता चलता है कितना अच्छे समझ में आया. लेकिन क्या इसके वजह से ट्रांजेक्शन होता है? तो रीजन ट्रांजेक्शन इसलिए होता है बिकॉज एवरीथिंग हैपेंड एट द सेम टाइम, ठीक है. अच्छी बात है भाई, ध्यान से क्वेश्चन कंसंट्रेट करो, एक दूसरे की बातों पर ध्यान लगाने से बेटर अपने क्वेश्चन कंसंट्रेट करना सही होगा. देखना क्रॉस कल्चरल बैरियर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के पर्सन होते हैं तो उसमें कैसे बैरियर आती है. आज भी टाइम बॉम्ब की आ रही है वो आवाज. अच्छा जी लास्ट क्वेश्चन आंसर क्या था? फोर्थ. एग्जाम की डेट कुछ नहीं बतानी अगर मैं अभी नहीं आई, जब एंट्री निकालेगा तो देखेंगे, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, ठीक है. हाँ जी क्या कह रहे हो दिव्यांग? कम्युनिकेशन में अदर पर्सन डिफरेंट लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो सोचेगा वो दूसरा पर्सन अलग सोचेगा, ठीक है. मैंने कुछ कहा कुछ सोच के और उसने उसका अलग निकाल लिया, तो ऐसा पर्सन पर प्रॉब्लम आएगी. मेरा भी गर्ल है, ठीक है. नेक्स्ट क्लास करना फिर गूगल मीट, गूगल मीट है तो क्लास ही ना, तय जाम दी हूँ मैथ क्लास का. मुझे ट्रेन वाले क्वेश्चन न दो, रिकॉर्डिंग वाली मैथ की क्लासे करो, ठीक है. कोई प्रॉब्लम होगी स्पेसिफिक टाइम में तो आप उसमें डाउट पूछ सकते हो. सोनम, इंदु, सुमन, बोलू, प्रीति, नगरी, रितु, अंकिता, कशिश, रूपी, शिवानी, प्रीति, रोहिणी, अर्चना, यया, मंजीत, नीलम, लक्ष्मी, राखी, मोमिता, मनीष. वाह भी वाह, मैं मेरा मैथ छूट गया. देखो मेनली एक टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आजकल क्लॉक वाले, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले पता चलेगा तब जब किसी किसी बच्चे का हो जाएगा, क्योंकि वो वाला पैटर्न एग्जैक्टली मेंटेन रहता है, ठीक है. फिर वो मैं बता दूंगी जब एनालिसिस करूंगी. लास्ट ईयर डीआई के क्वेश्चन कहां मिलेंगे? डीआई वाले क्लास में क्रैश कोर्स डीआई का हुआ था. हां तो डीआई मेन जो हुआ था उसमें भी, इसमें भी दोनों मिले. क्लास कंडक्ट करो गूगल मीट है ना भाई. क्लास रूम हमेशा समझाया क्या होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, समझे. तो ग्रुप आएगा वहाँ पर, क्योंकि अगेन हम सब एक ग्रुप में बन जाते हैं क्लास में. ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कोई छोटा ऊपर नीचे हो, फिर हम डिस्कशन करते हैं कल समझते हैं, समझा रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. हाँ जी वी आर ऑल्सो हेलो जी रिजा हेलमी आओ मैम कैसे आप सबको 10 बजे क्लास आज नहीं है, आज मेरी यूट्यूब क्लास है. क्लासरूम है तो उसी में आएगी,
कुछ ऐसा सेमिनार कंडक्ट होते हैं उसमें मेंशन होता है तो आप सेमिनार कह सकते हो, अदरवाइज क्लासरूम ग्रुप में आती है या ट्रांजेक्शन में आती है। सो बीइंग स्मार्ट कंज्यूमर ऑफ मीडिया, इसका मतलब है कि हम मीडिया को अच्छे से यूज करें। बीइंग अडैप्ट एट रिकॉग्नाइजिंग सबल एंड नॉट सबल फॉर्म ऑफ मैसेजेस, मतलब हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा जो मतलब नॉर्मल वाले कम्युनिकेशन है या फिर नॉट सबल, मतलब कि एक मिनट अनगढ़ रूपों को पहचानने के लिए सूक्ष्म सबल होता है अच्छा ठीक है, और जो नॉन सबल होता है वो होता है, मैंने हिंदी में लिखा होगा ना यार, हाँ सूक्ष्म और असूक्ष्म रूपों को पहचानना ठीक है। बिलीव इन फ्यू मास मीडिया चैनल, हम अगर एक तरीके से मीडिया को अच्छे से समझते हैं, मीडिया स्मार्ट है जैसे कहते हैं ना टैक्सी भी नाम सुना आपने टैक्सी, मतलब जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूटिलाइज करना जानता है, तो इस तरीके से वो स्मार्ट कंज्यूमर होने जो कि इन पैरामीटर्स को धीरे धीरे सीख रहा है और आगे अपने आप अपग्रेड रखता है ठीक है, तो कुछ मीडिया चैनल में ही क्यों रखेगा ठीक है, या उसे सब देखेंगे मुझे बेस्ट यूज करेगा वो। डिसबिलीव मैसेज रिसीव, हम फिर नेगेटिव आ रहे हैं ठीक है, फ्यू सिलेक्टिव चैनल वन लाइक, तो वही थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन शब्द है कम्युनिक, वाह मजा ही आ गया ये तो बात हुई ना कमाल की, जो कम्युनिकेशन की पहली लाइन आती है, कम्युनिकेशन वर्ड कम फ्रॉम लेटिन वर्ड कम्युनिकेशन कम्युनिकेट व्हिच मींस आंसर। आज यूट्यूब पे क्या पढ़ाओगे, आज आज मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है पहले तो रिसर्च का मैथ, अब आपको क्या करना है बता दो, वही हुआ ना बस, सही बात है, वेरी गुड टू ऑल, फर्स्ट आंसर करेक्ट, ज्यादातर मैथ्स बोल रहे हैं, फिर मैं रैंडमली कोई मैथ्स का एक्सपेक्टेड कुछ उठा लूंगी, फिर तुमसे नहीं हुआ ना फिर देखना। चलो टॉपिक कराऊं, टॉपिक कौन सा कराऊं, स्पेसिफिक टॉपिक बोलो, मैथ्स का भी करने दो, क्या बोला तुमने ऐसे भी तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, तुम उसी और से बात करोगे मेरे से कर रहे हो ना, तुम्हारी समझ आई ना बोलोगे समझ आ रही है। रीतू या पीपी टू फंडामेंटल फीचर, सिंपल कंपाउंड फीचर ज्यादा बोल रहे हैं, बाकी देखते हैं एक ब्लॉक भी बोल रहा है कोई, फंडामेंटल तो मेन होता है मेन फीचर ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन आर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, वही इंस्ट्रक्शन देते तो मैनेज करो, क्लासरूम कम्युनिकेशन टीचर रेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब एंटरटेनमेंट मतलब एजुकेशन विद एंटरटेन, यहां पर मतलब है कि मोटिवेटेड रहना ठीक है, तो बातें दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो बेस की बात कर रहा है और वो एंटरटेनमेंट की बात कर रहा है इसलिए ठीक है, एजुकेशनल एंटरटेनमेंट मींस एजुकेशन ढंग से कराने ताकि बच्चे एक तरीके से अपनी लाइफ में रहे मतलब मोटिवेटेड रहे पढ़ने के लिए। अगला पावर स्टेटस बैरियर होता है, कोई अपने बड़े ओहदे पे है कोई अपने छोटे ओहदे पे है, तो इसमें मेन बैरियर कौन सा आएगा, कौन सी प्रॉब्लम आएगी, सनी सिमरन प्रीति स्क्वायर प्रीति स्क्वायर उबाली सुमन गोलू वंदना नासरी मीना या शालिनी, जो बच्चे न्यू आए हैं उनको अगर प्रीवियस क्लासेस भी देखनी है तो अकेडमी में रिपोर्ट सर्च करके एनटीयूजीसी नेट सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे, सी और पी क्लिक करेंगे तो जो यूनिट पढ़नी हो वो यूनिट का कोर्स आ जाएगा, कंप्लीट कोर्स ट्रिपल कंप्लीट कोर्स टीचिंग ऐसा करके ठीक है, और अगर एमसीक्यूज प्रीवियस क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला तो क्रैश कोर्स है, ये चल रहा है। सिमेंटिक कमिंग बताइए लक्ष्मी, मीनिंग निकालना सही से मतलब नहीं समझ में आता है, जैसे कि हम अगर देखें जो बड़े लोग होते हैं वो लोग कुछ चीज को अच्छा मानते हैं कुछ को बुरा मानते हैं, और हम लोग अपने तरीके से नॉर्मल सोचे ये सही है ठीक है, तो वो क्या हो गया सिमेंटिक मीनिंग अलग अलग निकलते हैं चीजों के उसको बोल रहे हैं, क्योंकि उनका स्टेटस है उनका अपना, उन्होंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, दे ऑल्सो कम थ्रू दोस थिंग्स, आप अब कुछ कहोगे वो कहेंगे कि नहीं इसका मतलब तो ये है हम तो तुम्हें आने जा देंगे, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं हमारे लिए सही है, तो देर कैन बी सच टाइप ऑफ इशूज परसीव करने के समझने के इशूज आ जाते हैं ठीक है, बड़े लोग हाँ अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ मैसेजेस डिफरेंट निकालते हैं, वही जैसे छोटे बच्चे होते हैं नॉर्मली सॉन्ग वगैरह गाते हैं या डांस करते हैं ऊपर, लेकिन उनको उसकी धुन वगैरह से मस्ती में करते हैं, उनको लिटरल नहीं होता उसमें यही मतलब है, अब वही बड़े लोग देखें तो कहेंगे ये वाले गानों में बोल रहे हैं ये कैसे संस्कार दे रहे हो, जबकि उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो संस्कार में आ जाते हैं, वो तो अपनी मस्ती में लगे पड़े। सिक्स थिंकिंग, रिमी अब मैं कुछ नहीं कह सकती, अब एंटी ने तो पिछली बारी रूल तोड़ दिया आपने मेरे कॉमर्स क्लास पेपर का, तो इस बार अब एंटी की मर्जी, ये किसकी मर्जी खराब हो रही है मेरी, ये लो कोई बात नहीं किसी का भी डिग्री था जीरो मतलब मास्टर का सबके करे या दो बच्चों के बस, ये क्या हुआ आगे बनी आता आगे सुखरा बोलेंगे। रितु यार गोलू प्रीति मनीष क्या बात है, हर्ष निपुण तनासरी सिमरन रीता, तो वही हाइट कौन कौन सी थी, व्हाइट थी रेड थी ब्लैक येलो ग्रीन भी थी ठीक है, हो गई और कौन सी बची वाली रुको अच्छा ब्लू रेड है हाँ है चलो लिख दे दोबारा से ठीक है, व्हाइट भी थी ब्लैक ब्लू ब्लैक ग्रीन और ये दो तीन चार पाँच अब क्या बताए ये तो लिखी मैंने येलो 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 वाली ठीक है, ब्लू वाली फॉर थिंकिंग रेड वाली फॉर इमोशंस व्हाइट फैक्ट के लिए थी ब्लैक नेगेटिव ग्रीन किसके लिए थी वो क्रिएटिव करके थी ना हाँ आगे येलो क्यों थी हाँ ब्लैक जजमेंट के लिए भी कह सकते हो, येलो किसके लिए थी बेटिंग वैल्यू शायद वो चेक करना पड़ेगा वैल्यू बेनिफिट्स ठीक है टेक्स्ट
ओहो वो ट्रैफिक लाइट की है ना, बोल रहा है। नेक्स्ट एक गाना पूरा, बाकी बताओ गाना बता रहा हूँ। गुड टू यू फ्रेंड्स, व्हाट इज नेम ऑफ टेक्निक व्हिच यूजेस इमेजेस दैट आर ऑफन मोर इवोकेटिव देन वर्ड्स। इसमें ऐसी इमेजेस होती हैं जो शब्दों के मुकाबले ज्यादा अधिक इवोकेटिव, तो उसको इवोक करना होता है ना, मोर प्रिसाइज होती है, ठीक है, और ज्यादा उठाती है, यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा ट्रिगरिंग वाइज जो एसोसिएटिव है, ठीक है। तो क्या करती है, किसके लिए उठाती है, वो इवोक मतलब उठाने होते हैं, वो एसोसिएशन की कौन सी चीज किसके साथ लिंक है, ठीक है, और सोच को क्लियरली डिफाइन करेगी इसके अंदर और क्या क्या करना है। समझ में आ रहा है, अभी मुझे लगता है बच्चों को माइंड मैपिंग क्या होता है, सही तो है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया होता टॉपिक होता है, उससे हम हर जगह पे उसकी ब्रांचेस ओपन कर देते हैं। अब उस ब्रांचेस से रिलेटेड छोटी छोटी और ब्रांचेस को कहते हैं ट्री को ओपन कर देना। तो ये हमें क्लियरली बताती है कि इस वाली ब्रांच में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, समझे। यस, और एक और आप कह रहे हो दिस इज वर्ड माइंड मैपिंग, द नेक्स्ट इज कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट में वो एक्चुअली बिकॉज़ ऑफ द कंसेप्ट मैपिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेटेड सारा यहां बना दिया, फिर इसको दूसरे टॉपिक से लिंक किया, उससे रिलेटेड सारा बना दिया आपने, फिर उसको दूसरे लोग ऐसे करके मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट सेंट्रल आइडियाज के आपको उसकी ब्रांचेस बना देते हैं, और ठीक है ये होता है। फॉर एग्जांपल टीचिंग, अब हमने देखा टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत है, ठीक है, तो हमने वहां से किया कम्युनिकेशन का पूरा कंसेप्ट समझा दिया। हां जी, फिर ऐसे ही आपका आईसीटी बिलिंग होता है, रिसर्च ऐसे। सिंटैक्स क्या होता है बताओ, किसको पता है, वही ग्रामर रूल। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब पता है कि नंबर ऑफ आइडियाज जनरेट करते हैं विदाउट क्रिटिसाइज। गुड, अगला क्वेश्चन जनरल पर्पस कम्युनिकेशन रूबिन और डाल के हिसाब से सीखो, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। माइंड मैपिंग इज फ्रॉम द सेंट्रल टॉपिक, यू आर क्रिएटिंग ऑल ब्रांचेस, टीचिंग के अंदर क्या पढ़ेंगे, टीचिंग में हो गया कि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स मैक्सिम्स, मतलब जो जो भी ब्रांचेस है उनसे रिलेटेड टॉपिक उसके अंदर आ देंगे, ठीक है, तो एक विजुअल स्ट्रक्चर बन जाता है और वी क्लियरली नो कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, किस चीज का कितने साल रिलेशन है, चल रहा है बात। हाँ फिर क्यों बैठे, दिव्यानी उठाओ देखा ना, अच्छी बात है, अब सनी तुम उठाने के लिए फोन। हाँ जी आ जा रहे हो, गुड आफ्टरनून। हाँ जी गुड आफ्टरनून मैम, ये बोल रहा था इंडियन लॉजिक का आप करवा दो मैम इवनिंग की क्लास में, क्या करा क्वेश्चन? यस मैम, थोड़ा थोड़ा सा उसमें थोड़ा दिक्कत होती है मैम, इसलिए करने में थोड़ा मत इसलिए स्पेशल डिमांड आई हुई रेज द हैंड में, बताओ मानी जाएगी ना मानी जाएगी? अब मैम करवा दीजिए क्योंकि इससे पहले हुआ नहीं था ना, इसलिए ठीक है, तो बच्चे से पूछ रही हूं, मान लो कह रहे हैं, चलो ठीक है जी, मान लिया आप और आपकी जनता साथी, ठीक है जी, थैंक यू मैम। अगला ध्यान दें, सब जनता को अपनी तरफ अपने पक्ष में ले आए, अब ये नहीं डिमांड करेगा, अरे मैं अपने जनता को लेती हूँ। जनरल पर्पस कम्युनिकेशन सबसे पहले हम सीखते हैं ना बच्चे, क्या करते हैं, सीखते हैं, लर्न करने के बाद फिर हम उन चीजों को रिलेट करते हैं, इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, अब जब चीजों को रिलेट करते हैं तो उससे हमें सीखने को मिलता है, हेल्प होती है, तो हम इंप्रेस होते हैं, मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होकर हम उसको खुद कर सकते हैं, नाउ आई कैन प्ले, जैसे ना गाड़ी अब मैं चला सकता हूँ, नाउ आई कैन कम इन द ग्राउंड, मतलब मैं खड़े में सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, ये वाली बात ओपनिंग वाली, ठीक है। अब कहाँ गया बेबी, क्लासरूम कम्युनिकेशन प्लीज, सचिन अभी आप कहाँ पे हैं, आप क्लासरूम में है ना, और क्लासरूम में क्या करेंगे, डिस्कशन करें, बात करें, क्वेश्चन करें, समझ रहे हैं ना, तो दिस इज कम्युनिकेशन। जब हम क्लासरूम कम्युनिकेशन होते हैं तो एट द सेम टाइम एवरीथिंग हैपेंस एंड दिस इज लाइक ग्रुप, जैसे हमें ग्रुप में है, देखो जब आपको पेपर में हो तब वो जो टीचर होगा वहाँ पर वो आपका देखा क्या फिटिंग ना करो, ठीक है, लेकिन जब आप क्लासरूम में हो तो हम सेम लेवल पर आते नहीं, मानते हैं चीज को, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसे कुछ पूछो, आपको बोल भी आप ये कराओ, तो अगर हमें सिर्फ एक अथॉरिटी होती बड़ी होती और आप सिर्फ एक लर्नर ही होते, मतलब ऐसा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशन ही हम निभा रहे होते, तो आप फिर उस रिलेशन में कैसे नहीं आगे करो, यहाँ पे हम एक जैसे लेवल पर रहते हैं, वेयर वी आर डिस्कसिंग, कोई छोटा बड़े वाले लेवल पर नहीं रहते, हम डिस्कशन मोड पे आते हैं, हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे हो, तो वो था एवरीथिंग हैपन एट द सेम टाइम, ठीक है, तो इसलिए ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है कि हम सभी ग्रुप में आ गए हैं, और ट्रांजैक्शनल भी इसलिए कहा जाता है या ट्रांसफॉर्मेशनल भी कहा सकते हैं, क्योंकि उसमें सबको सेम टाइम होता है, सेंडिंग रिसीविंग, मैं मैसेज दे रही हूँ, आपने बोला यस मैम, आपका मैं पढ़ रही हूँ, मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, मतलब मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, आप रिकॉर्डिंग कर रही हो, लिख रही हो, आपने बोला यस मैम, लिखा, तो दोनों सब कुछ कर रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट लगा दे तो समझे, और साथ में नॉइज भी आती है, हमारे में से बच्चे भी होते हैं जो बाद में ऐसी बातें करते हैं तो क्लास में होगी, कभी कोई बात हो रही है, कभी कोई बात हो रही है, तो देर इज नॉइज ऑल्सो, ठीक है, जो कि दुनिया से परे बातें पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो एवरीथिंग हैपन एट द सेम टाइम, मैं तो कुछ कह नहीं सकते, रोज तो बेचारे को ब्लॉक नहीं करूंगी, मैं ज्यादा करके ब्लॉक करने वाली बैरियर आ रहा है, ठीक है, सीमेंटिंग नॉइज, समझ नहीं आता कि टॉपिक को पढ़ाया नहीं, चल कौन सी बात रही है, चलो नेक्स्ट सीक्वेंस, तुम आती क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं आई, आओगे आओगे तो लूंगी ना, पहले आपने मिस कर दिया, हम सीरियसली भी पढ़ते हैं और कभी सीरियस नहीं होते तो सीरियसली पढ़ते हैं, और फिर कभी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं, डिस्कशन मस्ती, हैंड
सिर्फ फोन मिल रही थी, और मैडम को आपने तो उठाऊंगी ना फोन, अपने कैसे लगा दूं, मेरे पास आपको फोन करने का ऑप्शन नहीं है। सनी शाम स्मृति गोलू शिवानी सुपाली सुमन इंदु सही सीक्वेंस बताइए, ये सीक्वेंस बताइए। तो देखो भी कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स में एक फिजिकल हो गया हमसे रिलेटेड डायरेक्टली, मैम हैंड फोन लग रही थी और कॉल लगी एक कहीं, मैडम ठीक है जो हुआ हो गया, तुम्हें दोबारा फोन करना तो तुम्हें दबाना पड़ेगा रेज द हैंड पे जाके सेम बात बोले जा रही है। फिजिकल के बाद हम अपने कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, फिर कल्चर जैसे कि हम अपनी फैमिली में जा रहे हैं ना, ये सब फिर उससे थोड़ा और बड़ा जाओगे तो फिर हम सोशल दूसरों से भी इंटरेक्ट करेंगे, दूसरों से भी इंटरेक्ट करेंगे तो साइकोलॉजिकल सोचना और टेंपरल तो एक तरीके से बड़ा होता जाता रहा, इसलिए फिजिकल एक बंदे से रिलेटेड। फिर हमारी फैमिली में कल्चर, कल्चर से बाहर सुनो ध्यान से, फिजिकल मतलब हमारे कान खराब है क्या, फिर हमारी फैमिली के साथ कल्चर आएगा, कल्चर के और बाहर जाएंगे तो सोशल सोसाइटी आएगी, सोशल हो गया, सोशल के और बाहर जाओगे तो लोगों की सोच वगैरह साइकोलॉजिकल ये सब हो जाएगा, क्रॉस कल्चर भी बात करेंगे हम, उसके और बाहर जाओगे तो क्रॉस कल्चर उसमें साइकोलॉजिकल इशू आ जाएंगे, और जाओगे तो फिर टेम्परेरी उसे टेम्परेरी क्यों आपने, क्योंकि बाकी दुनिया से हम लोग थोड़ा मिलते हैं या पूरी जिंदगी, मतलब थोड़ा वो और टेम्परेरी डाल करेगा। हाँ जी मेरी हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, मैम मेरा 30 तारीख को सब्सक्रिप्शन ओवर हो रहा है तो मैम फेयरवेल पार्टी कब है? चलिए तुम्हारी फेयरवेल पार्टी में तो करा दिला दे इसको उसकी। हां मैम कर दीजिए बड़ा, हम तो 30 तारीख को जा रहे हैं। ठीक है चलो देख दो, ओके ओके, तो ऑल द बेस्ट आपकी जेआर के लिए, अच्छे से पढ़ाई करो मैम, करो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो मैं आता था बेबी बॉय आई वांट टू कम, मेरे को सब पता है, एक बोल मत बोल। हां जी हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, मुझे एक बार ट्रांसैक्शनल इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज। जो इंटरएक्टिव होता है इसमें एक पर्सन जो बात कहता है वो बात कंप्लीट करता है, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन अपनी बात कहना शुरू करता है, फिर तब तक हो चुका है वो खत्म करता है, दूसरी बात होती है। इंटरएक्टिव का मीनिंग क्या होगा कि आप रिप्लाई तो कर रहे हो बट वेटिंग फॉर योर टर्न, समझे, अपनी टर्न की वेट करोगे। जैसे कि अगर कोई बॉस है तो उसके बीच में जाकर टर्न तो नहीं रहोगे ना। अगर मैं ट्रांजेक्शनल की बात करूँ जैसे कि क्लासरूम भी होती है या डिस्कशन वगैरह जहाँ चल रही होती है, डिबेट चल रही होती है, तब एक बंदा जो बोल रहा है तो मैं बोल रही हूँ आपकी चैट रही सके, मेरे कोई ना कोई तो बोल रहा होता है चैट में, है ना, तो आप इस चीज का ध्यान रखते हैं, मैंने जो बोली तब मैं बोलूँ, आप साथ साथ बातें करते रहते हो, पूछते रहते हो, डिस्कशन करते रहते हो, है ना। तो ये ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन है, ट्रांजेक्शन एवरीथिंग हैपनिंग एट द सेम टाइम, यहाँ पर रिप्लाई है बट नॉट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, वेटिंग फॉर द टर्न एंड देन यू आर सेइंग। अभी फिर समझ में आ गया तुम्हें, यहाँ पे एक अथॉरिटी होती है और उसका लिहाज भी करते हैं ये लोग क्लासरूम में नहीं करते, तभी तभी वो जो क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है वो अथॉरिटी और स्टूडेंट वाला नहीं है, वही ग्रुप वाला है, समझे। डायगनल ले लो, ग्रेप वाइन अंगूर की शाखाएं कोई भी कहीं भी चली जाती है, इनफॉर्मल लेवल पे चले जाते हैं, ये हो गया था भाई, अब यहाँ दोबारा आ रहा है, मैं क्या करूँ, ये लो 15 सेकंड में लो तुम। सनी कोमल इंदू, तुम्हें पता डायगनल मतलब क्रॉस फंक्शनल, आपको जाना इधर है तो पहले इधर जाओगे फिर इधर जाओगे, नहीं आप सीधे जा रहे हो, तो दिस इज क्रॉस, अब आगे समझ, वापस में बोल रहे हो। जो नॉन वर्बल है उसमें आता था साइन, वो टाइम लैंग्वेज भी आती है, वर्ड नहीं आएंगे, बस सिंपल सी बात है वर्ड नहीं आने, तो ये वर्ड गया, ये वर्ड गया, ठीक है, रिटर्न गया, तो साइन स्पेस प्रॉक्सिमिक्स, इसको प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं, इसको साइन सिंबल होता है, कल्चर हो गया, टाइम क्रोनेमिक बोलते हैं। थ्योरी थिंकर हो सब्जेक्ट के भाई, ट्रिक याद करने के लिए भी तुम्हें बैठोगे ना, अब ट्रिक याद कर लूँ तो आप इसे साथ होती मेरी पढ़ लो, दिमाग में रह जाएगा, अपना दिमाग उसको पढ़ने में लगाओ, और ट्रिक जिनके साथ साथ ही कराई हुई है, ओम बस बैल कितनी इजी करा रखी है, एम कॉम कशी जब तक डेट नहीं आई तो उस टाइम उसके लिए टाइम वेस्ट करके फायदा है रोने का, जो अभी वही नहीं पता नहीं चल रहा कौन सी एग्जैक्ट डेट है, ठीक है, तो अभी आप अपनी इससे अच्छा पढ़ाई पे टाइम लगाओ, इससे अच्छा एम कॉम की तैयारी कर लो और इसकी तैयारी कर लो, ये रखिए जी, थैंक यू जी। सनी अनिल शम्स आती बादशाह सनिक, ठीक है गाने पर देखी पार्टी, बस और गाने के अलावा कुछ और गाना क्लास में स्टेटमेंट वन पता चले बोलती कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है मेरी लैंग्वेज में यही होता है, मतलब ठीक है जी। सिमेंटिको चार्ल्स पियर्स कैन नॉट टू बी कॉल्ड थ्योरी, हाँ कम्युनिकेशन बताओ, सिमेंटिको कम्युनिकेशन थ्योरी में आता है ना, बट इज सिमेंटिक्स टू अंडरस्टैंड वर्ड मीनिंग है ना, इसकी स्टडी ऑफ दैट, तो उसकी थोड़ी में आई गई चाल पियर्स प्रिपेयर सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट्स विद कॉमन बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन रिलेशन, हाँ तो ये सिमेंटिक होता है इसका, इसकी डेफिनेशन उसकी एक्सप्रेशन रिलेशन के बारे में समझना। हाँ जी थैंक यू जी, क्लास तो मैं उस दिन लूंगी, बिल्कुल मैं छुट्टी करूँ 29 को, वी विल मीट फॉर श्योर, वेयर वी मीट वी विल डिसाइड, ठीक
ऐसा करूंगी मैं, जूम पे कर दूंगी जितने बजे जूम आगे, ठीक है, और लाइव यूट्यूब भी आ जाएंगे, तो दोनों जगह लाइव होगी सेम टाइम पे। तो जिन्होंने स्पेशल एक्टिविटी करनी हो कुछ बोलना मत, बोलो मुझे आके बोलना, जिसने टाइप करना हो टाइप करना उस पे यूट्यूब पे। बोलो रितु है यार, प्रीति हर्ष मनीष निवेदिता लास्ट रेम प्रीति सिंबल एक्सप्लेन तो मैं करूंगी। देखो तुम्हारा पेन, यहाँ पे मैंने थोड़ा क्वेश्चन दिला दिया पेन का, द वर्ड पेन मे डिनोट ईदर एन इंस्ट्रूमेंट, या तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर राइटिंग और एनक्लोजर ऑफ एनिमल्स। इधर आओ तुम भाई, अगर किसी चीज के एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं तो बताओ क्या होगा। तो ये इक्वेशन की फाइनेंसी होती है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया बीच में, कोई बात नहीं, कुछ बता रहे हैं उसके दो मीनिंग निकलते। फिर तुम यहाँ गाना बंद सुनाना, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बात होगा मुझे वक्त बोला इनकरेक्ट, मुझे लगा था कुछ तो गड़बड़ करेगी। नकल की लगता सही बस फिर मैं क्या कर सकती हूँ, सुन लो फिर मैं चमन करूंगी। इनकरेक्ट एक्शन वर्ब, मैंने नीचे ये लिखा है कि एक्शन वर्ब का मतलब क्या होता है, ठीक है, आंसर लिखा था, आई बड़ी आंसर लिखा क्या, अच्छा ठीक है, एक्शन वर्ब इज वर्ब दैट एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो कि किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काम करती है, ठीक है। हियर अप्लाउड इज टू प्रेज समवन नॉट यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि किसी कॉन्टेक्स्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या किसी सेंटेंस पैसेज में यूज नहीं होता। तो कन्वर्ट करते हैं किसी मैसेज को, उसको पैराफ्रेज अपने शब्दों में बनाते हैं या फिर समराइज करते हैं। तो ये सारी चीजें एक मैसेज पैसेज से रिलेटेड है, अप्लाउड मतलब वाओ, तो यहाँ पे खुशी है, ना कि ये हम किसी सेंटेंस या फिर उसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है, आगे समझ। और वन आउट भी कर सकते हैं, वो बाकी सब कुछ कंटेंट से रिलेटेड है, अपलाउड किसी को उकसाना, कन्वर्ट कैसे करते हैं, अरे मैसेज जो है उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हो ना, जैसे मैंने अभी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया, कुछ भी किसी तरीके से कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट वगैरह। हाँ देखो यहाँ क्या कर दिया पूरा, अच्छा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। खामों का दूसरों के दुख पे हाथ डालना है, सुनीता सिमरन भाविका नासिन आरती बोलू, तो तुम स्टार बन जाओ, तो तुम अच्छे काम और करके दिखाओ, ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी मैम, बी नहीं हो सकता, मतलब ये है ना, क्या है इसमें, कम्युनिकेशन मींस डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन मींस सप्रेशन, मतलब दबाना होता है, दबेगा क्यों, दबाएंगे क्यों, एक्सचेंज आदान प्रदान, अंडरस्टैंडिंग, हाँ समझना, कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट होता है थोड़ा सा, एब्स्ट्रैक्ट का भी मतलब क्या होता है, दूर चले जाना, मतलब जो जिसकी अभी मुहूर्त नहीं है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना, मतलब कि जो ज्यादा इमेजिनेशन होती है, उसको समझाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ठीक है जी। देखो किसी पर्सन के दो तरीके से पहचान होती है, या तो उसके खुद से, या फिर ये उनका बच्चा है, या फिर उल्टा हो सकता है कि इसके पेरेंट्स हो है, तो इधर नहीं हुआ, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कैसे कह दूं भाई, वो तो जगदेश जी बताएंगे, क्लास तो होगी लेकिन यूट्यूब पे, टाइम मतलब 9 बजे ही होती है, 10 बजे होती है, दैट आई विल सी कि कब मैं फ्री हो जाऊँ, रात को 10 बजे रखूँ, आई विल सी, जल्दी क्यों दोनों के लिए, चलो ना मेरी डाल दी 9:30 कर लेंगे, अभी मैं पक्का नहीं आ सकती बिकॉज थोड़ा काम है मुझे बीच में, अगर मैं उसके बाद डिनर करके फ्री होगी तो मैं तब पास लूँगी, चला गया। बर्थडे पर कोई स्पेशल वो नहीं है प्लान मेरा, तो आप लोगों के साथ आना, तो आपके साथ ही बना लेंगे वही जूम वाला सेशन, अच्छा ठीक है। पूनम सनी सुनीता प्रीति गुड, मतलब मैं तो कुछ खास नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों के लिए कंटेंट जरूर दिया, दैट विल बी यू नो दैट विल गिव हैप्पीनेस टू मी एज वेल। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, लैंग्वेज एम्बिग्युटी टेक प्लेस बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड, भाई बहुत एम्बिग्युटी होती है, अनक्लियरनेस, अगर हम शब्द सही यूज करें तो, इनफॉर्मल टाइम टर्म्स लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, हां उसी कहते हैं अलग-अलग मीनिंग निकाल लेते हो। हां जी अच्छा जी चलो अगला क्वेश्चन करो,
सनी अनिल पूनम प्रीति सिमरन हिंदू आरती सुनीता प्रीति रखा. सो इनमें से कौन सा बेटर बने ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन का है. अभी तो बताया हमें ट्रांजेक्शन क्या होता है. हाँ सोशल कॉन्टेक्स कल्चर भी आ जाता है सबको साथ साथ हो रहा है रिलेशन. अब लीगल में तो भाई ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा उसमें. अब लीगल एग्जांपल दिया जैसे सामने गए तब जैसे बोलोगे खुद बोलोगे सो यू विल वेट फॉर योर टर्न एंड ही विल वेट या बोलो तो आपको तो होगा समझे. डिलेड कॉन्टेक्स में फिर अब डिले हो रहा तो क्या करेंगे. तो ये तीनों बेस्ट है वो नेगेटिव में जा रहे हैं. हाँ जी ठीक है आप सबके कान के पर्दे फाड़ लिए फाड़ देंगे. अनएथिकल कम्युनिकेशन जो आपकी इच्छा कोई काम बिगाड़ लगा था नेगेटिव वाला एरिया बाकी सारे पॉजिटिव थे. अच्छा जी कहाँ से अनएथिकल बताओ. गुड अनएथिकल का मतलब है कि बिल्कुल गलत ठीक है. तो अगर हम नॉन कमर्शियल पब्लिसिटी कर रहे हैं तो मतलब ये तो ऐसी पब्लिसिटी हो जिसमें पैसा नहीं लगाने पड़े आपको. जैसे कि आपने वर्ड ऑफ माउथ यूज किया. वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है कि मेरे बिना कहीं आप अपने आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो क्लास बहुत अच्छी है हमें काफी सीखने को मिल रहा है ठीक है. दिस इज नॉन कमर्शियल मैंने आपको पैसे नहीं दिए और अगर मैंने पैसे नहीं उसके बाद भी अपने आप अगर आप पब्लिसिटी करो तो ये ज्यादा अच्छी गुड भी कहलाएगी ना. दिक्कत नहीं है. नॉट रिवीलिंग द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन आ कहां से ली है ये रिसर्च में होता है मेरी अनएथिकल कि आपने सोर्स नहीं बताया कि कहां से आ रही है. प्रोपेगेंडा का मतलब यहां पर है कि एक पर्टिकुलर इशू क्या है ठीक है. इसका क्वेश्चन में भी आंसर देता है ना एक बार कंफर्म कर लेते हैं ज्यादा ये तो पेज नंबर 74 पे आंसर की मिलेगी 161 क्वेश्चन तो दो आंसर का है भाई सही है ये ठीक है तो सही है. अब सुनो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आप कहां से कभी आपको कोई चीज टेस्ट करनी है तो आपने न्यूज़ में देखा न्यूज़ है आपने ट्विटर में देखा जैसे कि और आपने फ्रेंड की वेबसाइट पे देखा तो डिफरेंट सोर्सेज आपने यूज़ किया सोर्सेज का यूज़ करके उसका इन्फॉर्मेशन कभी कंफर्म किया. लेकिन प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एजेंडा पे अड़ जाना ठीक है उसको बोलते हैं. जिसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया जाता है ना बढ़ा चढ़ा के बोलना अरे अपना पिन बनाने उसको बोलते हैं 161. और बल्ले बल्ले नहीं आया बोल दो बात है ठीक है. ओहो गलती भी चला गई दूसरी डाली थी. बट इधर साइबर बुलिंग वो ज्यादातर ऐसे होते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं उनको डरा धमका के उनसे कोई काम करवाना या फिर कुछ तो इसलिए फिर बेटर क्या है ऐसे बुलिंग सिर्फ पेरेंट्स क्या करें उनको पब्लिक रूम में रखवाएं जैसे कि उनको डर रहे कि हम ऐसी साइट ना खोले उनको बना हो ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिथ के बारे में बताओ. सनी अनिल प्रीति भाविका शिवानी क्या हुआ पता क्या आंसर फिर डन वेरी गुड. सुनो मिथ क्या होते हैं. कम्युनिकेशन गुड कम्युनिकेटर और बोन अच्छा ये वैसे मिथ है. गुड कम्युनिकेटर बोन होते हैं गलत वाला बताएगा इसमें से ठीक है. नहीं भाई कम्युनिकेटर बनते हैं सीखते हैं तभी तो आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट अलग है. कम्युनिकेटर आर लर्न समझे सीखते स्टेज फ्रेज मतलब डर लगता है जिसको ठीक है. इज नॉट कम्युनिकेशन एप्रिहेंशन बल्कि स्टेज फ्रेज भी थोड़ा बहुत जरूरी क्योंकि अगर हमें कोई डर ही नहीं है किसी चीज का तो फिर तो हम कुछ भी करेंगे. इसलिए हमें एक तरीके से पहले हिचकिचाहट होती है तभी हम आगे बढ़ने के लिए रुक बढ़ते हैं. ऐसा नहीं है कोई भी हमेशा से शुरू होते हैं अपनी हैंशिंग होता है इसके बाद धीरे धीरे एक तरीके से ट्रैफिक होते हैं ठीक है. देन कम्युनिकेशन स्किल हैव नथिंग टू डू विद रिलेशनशिप ये भी बात गलत है. कम्युनिकेशन रिलेशन बातचीत करनी है दूसरे से बातचीत तो करनी है. कम्युनिकेशन इज लाइक एक्चुअली सर्च. हां कम्युनिकेशन हैज इट्स ओन बैरियर्स. यहां पर कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं ये सही बात है. प्रैक्टिस लीड टू राइट हैबिट ऑफ द कम्युनिकेशन. यस हम प्रैक्टिस से सीखते हैं समझे तो पैदा नहीं होता कम्युनिकेटर बनके. बी ए कम्युनिकेशन स्किल हैव नथिंग टू डू विद स्टेज फेयर इज नॉट कम्युनिकेशन अप्रिहेंशन. मंच में भय संचार आशंका नहीं है. अप्रिहेंशन सही तो आपके मतलब डर भी होता है समझे और प्रेयर का मतलब भी डर होता है. तो अगर मुझे स्टेज से डर लगता है तो मतलब मैं कम्युनिकेशन में डर रहा हूँ सही तो है वो नीचे लिखा हुआ आशंका. तो ये मतलब क्या कह रहा है कि स्टेज फियर एक तरीके की आशंका नहीं है. यस वो आशंका है ठीक है इसलिए वो गलत है मिथ है इसलिए हमें यहाँ पर चूज किया. रॉन्ग बताना यहाँ पे. नेक्स्ट
So friends, communication must include transfer and understanding of message and their meaning. Achieving perfect communication is technically possible. भाई 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है. ये हमारे मिथ कम्युनिकेशन की क्लास में मैंने मिथ की स्लाइड बनाई थी, वो देखा आपने. तो मिथ क्या है सबसे बड़ा कि अभी नो वन इज परफेक्ट कम्युनिकेशन. नहीं देखो बात देखो फिर उसमें क्या करना है. मीडिया देखो नेक्स्ट विच ऑफ कंप्लेंट ऑफ कंप्लेंट कम्युनिकेट चैनल पे भी डिपेंड करता है ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं. तो हां कंपल्सरी नहीं है ना 100% कोई बाधा आएगी नहीं आज की क्लास में. ऐसा तो कंपल्सरी नहीं है. अरे तुम्हें सिर्फ सुबह से लेकर दसवीं क्लास हो रही है तो सिर्फ एक सॉन्ग के पीछे क्यों पढ़ लो, क्वेश्चन भी कर लो, एग्जाम के पीछे पढ़ लो. अभी चला दीजिए कॉल. ठीक है चला दिया. आइएगा मैं कैसे बता सकती हूँ निवेश. मेरी यूट्यूब वाली क्लासेस तो काउंट करूंगी ना मैं कितनी बची है उसके ऊपर डिपेंड होगा. यहाँ का कोटा पूरा हो गया वहाँ करेंगे. बोलो प्रीतु प्रीति हर्ष नासी प्रीतु मनीष वेरी गुड. सो इनमें से कौन सा वाला ट्रेड कम्युनिकेशन कम्युनिकेटर से रिलेटेड ओके. सो उसको सोच समझ के बोलना होगा. रिसिप्टिव ऑफ इन्फॉर्मेशन को भी इन्फॉर्मेशन सुनने को तैयार हूँ. थिंकिंग बिफोर एक्टिंग मतलब बोलने से पहले सोचे. ट्रेड का मतलब नहीं पता आपको. ट्रेड का मतलब होता है करैक्टरिस्टिक्स लक्षण. ठीक है ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट इंप्रेशन. जरूरी नहीं है कि हर पर्सन सच्ची में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. ठीक है बच्चे गलती करके भी सीखते हैं ऐसा कोई इशू नहीं. पहली बार तो हमेशा गलती होगी. बी पैसिव पैसिव तो इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए हमने उठा दिया. अब यहाँ पे रॉन्ग सेंस क्यों बताओ क्योंकि जब कम्युनिकेट करने वाले आराम से बैठा होगा पैसिव होगा तो कम्युनिकेट करेगा कौन. समझ लो मैं कम्युनिकेट करना चाहता मैं कम्युनिकेटर हूँ और आराम से बैठी हूँ तो बता दो क्लास में. नेक्स्ट अरे वाह 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 ट्रांजेक्शनल अभी पूछा था किसी बच्चे ने यार अभी उसने रेजा है पूछा फिर यही हाल. सिमरन अनिल सोनम प्रीति गोलू पूनम शालिनी यार अभी तो माइंडफुलनेस है दिमाग से सोच के तुम काम करना. तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट मतलब मेरे और आपके दोनों पे डिपेंड करता है क्योंकि सबने एक साथ कम्युनिकेशन करना है. यहाँ पे कौन सा वाला नॉन वर्बल को इन्फ्लुएंस करता है तो वर्बल को बुला दिया जाए या इन्फ्लुएंस कर रहा है तो फिर नहीं होगा वर्बल को मैंने दिया दे दो क्या. बहुत खूब और तरक्की करो. तो भाई यहाँ पर क्या सिग्नल को अवॉइड करना चाहिए करके दिखाओ ट्रैफिक लाइट पे चलाने जब आएगा तुम्हारी मजा आएगा. ठीक है इनविजिबल इनकॉन्ग्रुएंसी. इनकॉन्ग्रुएंसी तो वैसे ही बता दिया. इनकॉन्ग्रुएंसी मतलब कि वर्बल एंड नॉन वर्बल का तालमेल ना होना. कल्चर कल्चर नॉन वर्बल है नॉन वर्बल को इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि हमारे कल्चर में इसका मतलब अच्छा होता है कि दूसरे कल्चर में कुछ और होता है इसका मतलब स्टॉप होता है उसे पांच फायदे होते हैं. ग्राफिकल लोकेशन ज्योग्राफिकल लोकेशन यस क्योंकि कहते हैं हर पांच फुट में भाषा बदल जाती है थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में लैंग्वेज चेंज जाती है तो इसी थोड़ा डिस्टेंस में नॉन वर्बल मैसेजेस चेंज जाते हैं. कॉन्टेक्चुअलिटी मतलब टॉपिक से रिलेटेड. अब मैं वही चीज हमारा कॉन्टेक्चुअलिटी है जैसे कि हम चर्च जा रहे हैं तो वाइट कलर और हम कहीं और बैठे हैं तो फिर वाइट कलर का नहीं तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वाइट कलर या डिफरेंट कलर जैसे सेम वाइट और भी होता है एग्जांपल तो वो नॉन वर्बल में इंपैक्ट करता है ना. हरियाणा में एक किलोमीटर में लैंग्वेज होती है हरियाणी में अलग तक होती है. चलो नेक्स्ट मैम कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है एक्सप्लेन विद एग्जांपल. भाई अभी पीके मूवी का एग्जांपल दिया मैंने पीके नहीं बैठना लेकिन वहां पर अगर मैं चर्च में हूं कोई पर्सन चर्च में ठीक है तो उसने अगर वाइट ड्रेस पहना है तो ऐसा होगा ना कि जैसे वो ब्राइड है ना तो वही चीज वाइट ड्रेस कोई किसी और जगह पे बैठ के बैठा है तो उसका अलग मीनिंग आता है ना तो नॉन वर्बल का मीनिंग चेंज हो गया ना. फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन एरिया के वाइज भी लोगों का पहनावा चेंज होता है लोग उसे अलग भी निकालते हैं या फिर जो इशारे कर रहे हैं उन इशारों का मतलब वहां पे भी चेंज होगा कल्चर के अंदर भी चेंज होगा यूएस इंडिया. अब देख लो यहाँ पर अगला क्वेश्चन. अब मैंने पूछा कौन जाता है कौन नहीं. मैं वो ब्राइड एग्जाम्पल रहा था इसलिए मैंने टॉपिक चेंज किया था कि मैं नहीं वैसे कोई पर्सन. हाँ जी पूनम सनी आरती सुनीता जी तू बोलो दिया रहे चेंज तो ऐसे आपकी होंगी फिर. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट आइडेंटिटी फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स पहचान बनाता है. आइडेंटिटी इज सिचुएशन सिचुएशन के साथ आइडेंटिटी होती है इसलिए हमें आइडेंटिटी सही से क्रिएट करनी चाहिए इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि आपकी पहचान वैसी बने. इससे क्या होता है अच्छा जी ये सब अपने नेम से जी आर एफ पता नहीं लगाते जिसको जो करना है करो. यू आर इन आजाद इंडिया. अरे वाह मजा ही आ गया आज तुम पूछ चुके हो इस क्वेश्चन के बारे में फिर भी गलत बहुत गलत. टेलनेट क्या होता है. टेलनेट होता है कि एक तरीके से ऐप प्रोटोकॉल है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ऑनलाइन कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है दूसरे के कंप्यूटर पे काम करने में हेल्प कर रहा है. जैसे टीम व्यूअर्स अगर मैं आपको मैं टीम व्यूअर से कनेक्ट हो गया तो मैं आपका लैपटॉप दे सकती हूँ आप मेरा लैपटॉप दे सकते हो ठीक है तो वहाँ पे आपके लैपटॉप पर काम कर सकते हो दूर बैठे बैठे रिमोट एक्सेस के लिए यूज होता है. तो फैटी कम्युनिकेशन होगी ना शॉर्ट मैसेजेस हाय हेलो हाउ डू यू डू अच्छा जी विच आर ट्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस बुफर वो ऐप अच्छा वो अच्छी बात आगे नहीं हुआ जिसके थ्रू ये सब है प्रोटोकॉल जो है वो ट्रैप है.
ओके जी गूगल ऐप है ना जैसे टीम व्यूअर या दूसरा कौन सा होता है एनालाइज समझाया तो मैंने विच ऑफ फॉलोइंग ट्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में तो कम्युनिकेशन पर्पसफुल होना चाहिए अगर कम्युनिकेशन को पंक्चुएटेड मतलब सही से पंक्चुएशन वगैरह यूज करनी चाहिए समझा दिया या फिर पंक्चुअल होना चाहिए सही पंक्चुएशन भी कह सकते हैं इसको या तो जो ग्रामर में यूज होती है कहां कॉमा लगाना है कहां रुकना है ये सब चीजें देन इट इन्वॉल्व चॉइसेस कि हमें क्या चूज करना है सेंड मैसेज में अनकम्युनिकेटेड अगेन नेगेटिव हो गया हटा दिया हमने इसको कम्युनिकेशन डज नॉट हैव पावर डायमेंशन पावर देना होती है प्रिंसिपल 21 में कम्युनिकेशन के कितने क्वेश्चन आए थे वो तो देखना पड़ेगा ना वीडियो में या क्वेश्चन में देखो कितने क्वेश्चन आए टोटल अगला क्वेश्चन करो टोटल 175 ओए खत्म होने वाली है फिर आगे क्या है इसमें खाली पेज अल मैं सोचूंगा लेकिन आगे कम्युनिकेशन की स्लाइड है बेसिक्स तुम्हें क्या लगा पूरा कम्युनिकेशन खत्म हो गया इसके पिछले साल के तो क्वेश्चन ही नहीं थे बीच में से कुछ छुड़वाई भी तो आपने 94 से शुरू कर लेंगे फिर सारे होंगे एक मिनट छुड़ेगा फिर मजा आएगा सनी अनियन सिमन ठीक है 93 से करेंगे सो मोर एंड मोर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद इन ग्रुप एक ग्रुप के अंदर बनाते हैं ग्रुप के अंदर बनाते हैं एक लेवल पे आते हैं ठीक है 4 अच्छा कुछ और कह रहे हो आज की वीडियो में भाई अभी दूसरे लोड करके पहले खत्म कर लो मैं डाउनलोड कर रखी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे जुलाई में पेपर सर पे आ गए ना क्वेश्चन भी आएंगे बिकॉज़ दिस मंथ माय कोटा इज कंप्लीट आई नेक्स्ट मंथ आई विल इंट्रोड्यूस द कोर्स अरे गाइस नहीं आज बात करेंगे नहीं छुट्टी पे कल बात करेंगे तो तब कोर्स लॉन्च हो सकता है उनके आगे भी बताने का पता नहीं आज सूर्य इस कोर्स में कल दो क्लास आती है 11 बजे होगी भी आपकी पेपर 1 की क्लास और पेपर 2 कॉमर्स की क्लास रात को 9 बजे so identify verbal communication skill last time kya strategy follow karni chahiye tell us i already informed aapko revision karni hai math protocol but yahan pe jo math classes ho rahi hai wahi theek hai wo baat aap ko degi previous question sare solve karne aapne at least 2018 tak karo 2022 se chal ke kam se kam aur kam se kam 4 essays lagao paper se pehle agar paper 8 ko hai to agar late hai to aur laga sakte ho hai na kam se kam at least isse kaise se time manage karna aana chahiye aapko and aur kya hai ha baki expected question karwane the to main aage likhaungi agle mahine abhi question samjhane ki ho gaya kaun sa wala identify verbal communication aggressive language to achhi baat hoti nahi hai kaun kya the assertiveness means apni baat sahi dhang se kare theek hai ताकि दूसरे को बुरा भी ना लगे थ्योरी तो क्विक वे में करेंगे ना मैथ शॉर्ट गो थ्रू कर लिया आपने है ना खुद से क्वेश्चन जब तक सॉल्व करोगे पेपर पास नहीं कर सकता भाई क्योंकि तब आपको एग्जाम में थ्योरी तो लिखनी नहीं करने तो क्वेश्चन है समझे तो उसका मीनिंग निकालना आना चाहिए टेकिंग क्रेडिट फॉर वनसेल्फ ये वाली बात भी बताओगे सेंटर हो गया और वाली बुक है तो उसके बाद जो न्यू वाली न्यू टॉपिक्स आएंगे तो ये पीडीएफ में मिल गया कौन से बचे बताओ तो पीडीएफ से कर लो रिवीजन के लिए तो आप फटाफट वो जो क्लासेस वाली सुबह रात को अंशु कुमारी इंदु प्रीति गोलू नासिर बखा शिवानी ऋतु अर्चना नीलेश रोहिणी सूरज शिवांगी मनीष वैष्णवी संदीप प्रतिका प्रिया राजमती इंदु डिसिप्टिव आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था बॉडी लैंग्वेज इज बेसिक फॉर डिसिप्टिव कम्युनिकेशन क्या बॉडी लैंग्वेज दूसरे को धोखा देने के लिए होती है जरूरी तो नहीं है तो गलत नहीं किस हर बात होती ना धोखा दे रहे कुछ कुछ होते हैं सब मतलब जरा नहीं कर सकते नॉन नोबल क्यों हैव देयर ओन शेयर्ड मीनिंग हां उनके अपने खुद के मतलब होते हैं नॉन नोबल हिंट्स के ठीक है अगला क्वेश्चन किया जाए कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन हैंडल करके क्या अपनी गुड पूनम अनिल इंदु सोनम शिवानी अनिकेट भी आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करो फिर आपके पास हैड आएगा उसमें भी क्लिक करके एडुकेटर नाम चूज करना पड़ेगा फिर एडिट हो जाती है ठीक है दैट इज प्री पोस्ट ऐसे होता ना प्रोफाइल का देखो लेटर सेम लेवल का आता है तो बिटवीन इक्वल्स हैप्टिक लैंग्वेज ऑफ टच सिमेंटिक ये समझ में नहीं आता है सिमेंटिक इज इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन लैंग्वेज का मीनिंग निकालना है सिमेंटिक्स ठीक है जी इसके बाद वो जो पीडीएफ रहती है वो अपलोड कर देती हूं और पीछे से क्वेश्चन बचे हैं वो बता देती हूं पीडीएफ आज को मैंने तो पर डे कितना मॉक टेस्ट देखो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और प्रीवियस क्वेश्चन सारे लगा चुके हो तो आप चाहे उसका एक मॉक दे दो और अगर आपका प्रीवियस क्वेश्चन बचे अभी और मॉक भी करने हैं तो फिर आप दोनों पे टाइम डिवोट करो ये होता है कि आपके पास समय कितना है और आपका रहता कितना है करना क्या और अगर 8 को पेपर है तो एटलीस्ट 4 तारीख तक आपको तो पढ़ना पड़ेगा उसके बाद आप रिवीजन 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 कुछ नया टॉपिक करने के उससे पहले आप क्या कर लो तो वो तो एंड डेट बताएगा ना कि कब देगा वो अरे भाई ओके मदद का क्वेश्चन लीजिए कॉन्टेजियस स्प्रेडिंग बिहेवियर थ्रू इमिटेशन इन नोन एज बीच का क्वेश्चन निकाल के बाद में कॉपी वाला ना उससे वो स्प्रेड हो जा रहा है फैलता जाता है फैलता जाता है ये प्लस क्लास में कंप्लीट कोर्स में कराए हुए ये सारे मैंने सारे मैं नहीं करने बैठी कम्युनिकेशन की कंप्लीट क्लास में है
मेरा कॉमर्स का सिलेबस भी रहता है दिसंबर के लिए, सब्सक्रिप्शन लिया बट मैंने कॉमर्स है, तो अपनी पूरी कोशिश करो क्या पता निकल गया इस बारे में, ठीक है। तो ये है इसका संक्रमण फैलता रहता है, क्या होता है इसको, रिपल इफेक्ट, ठीक है। मुझे तो कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं, रिपल का मतलब ही होता है क्या, हिंदी देख लो, रिपल की तरंग की तरह फैलता रहना, मल्टीपल होता रहना, ठीक है। बाकी क्लास में देखना सारी पेपर की क्लास कराएंगे, वीडियो देखो दोबारा हो जाएगा। नेक्स्ट सारे बताओ क्या चलो अगला क्वेश्चन करो, सारे बता देते उतना टाइम बचा अपने पास, रिवाइज करा देते। सेकंड पेपर जितना रिवीजन कर रहे हैं और लग रहा है 10 मिनट डालो, नेगेटिव थॉट तो लाने की दिमाग में आता है तो फिर अपने पास लेके बैठो उसको सुनो, और जिसको सुन रहा है दूसरे को सुनो मत। अनिल प्रीति शालिनी पिंकी सुनीता अर्चना कल करते जाओ, कल कब मिलेगा, वेरी गुड वन। सो क्या कहते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग रिलायबिलिटी टेक्निक्स आर इन क्वालिटेटिव रिसर्च, डाइक्रॉनिक रिलायबिलिटी, क्विक टॉनिक रिलायबिलिटी, क्रॉनिक पॉजिटिव, कॉन्वेक्स अल्फा। कॉन्वेक्स अल्फा बेसिकली वैलिडिटी में यूज होता है, या एक क्वेश्चन है खुद ही आंसर दे दिया, रिलायबिलिटी का रिलायबिलिटी लिख के ये उसमें वैलिडिटी, कॉन्वेक्स अल्फा वैलिटी में यूज होता है, रिलायबिलिटी में कॉन, इसमें दोबारा देखना पड़ेगा, आई थिंक हाउ वैलिड होता है, इसलिए आएगा नहीं। सो ये भाग गया यहाँ से, वैलिडिटी ना, ठीक है। और ये तो पर्सन के नेम है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, इसको मैं स्क्रीन शॉट लेती हूँ, फिर एक क्लास में इसके बारे में समझाती हूँ। मैं मुझे आज पता लगा आप यूट्यूब पे हूँ, वाह, और मुझे बच्चे बताते हैं हम तो यूट्यूब से आपको ढूंढ गए हैं, और तुमने पहले मुझे ढूंढा बाद में यूट्यूब पे गए, क्या बात है, ये कैसे ढूंढ लिया मैम, कब से रश्मि बोल रही है सुनी नहीं, क्या बोल रही है, रश्मि का मैसेज नहीं दिखा मेरे को, बता दो एक बार और, बता दो दिया मैंने, डाउट में क्या बोल रही है, ओए फिर दोबारा तुम स्मृति और रश्मि की टीवी लग गई है, स्ट्रेस एंड इफेक्ट
जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है, छुपाता है इंफॉर्मेशन को. ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन इनिशियली ओनली अफोर्डेबल टू वेल्थी, मतलब अकेला वो काफी बढ़िया है, बट इट्स प्राइस लाइकली टू रिड्यूस अंटिल अफोर्डेबल पर्सन. हां, तो मतलब ट्रिकल डाउन का मतलब पहले तो कोई चीज बहुत महंगी है, लेकिन धीरे 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 कम होती रहती है उसकी प्राइस, जब तक किसी पर्सन को अफोर्डेबल ना हो जाए. जब तक पहले दवाई थी सब महंगी थी और अब वो उसके लिए अफोर्डेबल है, ऐसा करके जैसे पानी में स्टोर करते हैं और उससे वेस्ट पैदा होती है. हाँ, तो वो भी रिपल इफेक्ट है. ठीक है, तो पानी की तरंगे की तरह वो फैलता है. अब मान लो मैंने पानी लगाया एक जगह पे, वो थोड़ा सा दूर तक फैलेगा, जो एक दायरा होगा जिस पे वो रुक जाएगा, मतलब वहां तक जाएगा, स्लो पर तो फैलते रहता है. ठीक है, चलो. सो मैंने बताया, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू. थैंक यू.